बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, और ये बड़ी उम्र के अफराद के बारे में है, और बड़ी उम्र के अफराद का एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर डिमेंशिया के बारे में है। तो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर नसीम इकबाल गुमन एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर अक्सा होम्योपैथी। डिमेंशिया इज़ ए लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग लाइक रिमेंबरिंग, थिंकिंग एंड रीजन। डिमेंशिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, जिसको हम सीनाइल डिमेंशिया भी कहते हैं, उनके अंदर जो रीज़न करने की, चीज़ों को याद रखने की, थिंक करने की और रिमेंबर करने की, या आसान अल्फाज में कहें तो उनकी याददाश्त में कमी होती चली जाती है। मेमोरी उम्र के अफराद जो होंगे उनके अंदर जो डिमेंशिया होगा, वक्त गुजरने के साथ उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होंगे या नर्व सेल जो होते हैं वो स्लोली स्लोली पुअर होते चले जाते हैं, उनकी सलाहियत मुतासर होती चली जाती है, या उनके कनेक्शंस जो हैं दूसरे सेल्स के साथ वो इम्पेयर्ड होते चले जाती हैं, इसलिए उनकी ठीक से सिग्नलिंग नहीं हो पाती ब्रेन के अंदर, तो डिमेंशिया की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मोस्ट ओवर होती चली जाती है। आपने अक्सर अपने घरों के अंदर बड़ी उम्र के अफराद को देखा होगा कि वो अक्सर बहुत करीबी रिश्तेदारों के नामों को भूल जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स के नामों को भूल जाते हैं, बहुत कॉमनली सीन प्लेसेस जो हैं, हर दफ़ा अगर वो अपनी जगह पर एक ऑफिस में जाते रहे हों तो अक्सर जो है उसका नाम ही भूल जाएंगे, और एड्रेसेस को भूल जाएंगे, चीज़ों को काउंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे गिनने में प्रॉब्लम आ सकती है, और एक ही बात को बार बार कर सकते हैं या चीज़ों को एक ही बात को बार बार दोहरा सकते हैं। इसलिए देखी जाती है 65 से ऊपर उम्र के जो अफराद हैं उनके अंदर 85 से ऊपर जब ज़्यादातर बड़ी उम्र के अफराद जाते हैं तो 1/3 जो उनमें से पीपल होते हैं उनके अंदर डिमेंशिया जो है वो देखने को मिलती है। तो डिमेंशिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है होम्योपैथी के अंदर, जिससे डिमेंशिया के जो सिम्टम्स हैं बड़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, इनकी रिमेंबर करने की एबिलिटी जो है बहुत बेहतर हो जाती है, याददाश्त बेहतर होनी शुरू हो जाती है, और कॉमनली यूज मेडिसिन जो हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो उनके अंदर जो है हमारी जो मेडिसिन हैं उनके अंदर पहली जो मेडिसिन है वो ब्रेटा कार्ब है। ब्रेटा कार्ब को 200 की पोटेंसी के अंदर या 1 mm की पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिसिन जो है वो हमारी कैलीफॉस 200 है। कैलीफॉस 200 को भी 200 की पोटेंसी के अंदर दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो है वो आरम आयोडेटम है। आरम आयोडेटम को 30 की पोटेंसी के अंदर यूज़ किया जा सकता है। फिर हमारी मेडिसिन जो है कोनियम इस्तेमाल हो सकती है। कोनियम जो है उसको हम 200 या 1 mm की पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और हमारी जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है डिमेंशिया के लिए, और इसका नाम है 5-6-X। तो 5-6-X की 3 से 4 टैबलेट्स जो हैं दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये कुछ मेडिसिन थी जो कि डिमेंशिया के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।